कलयुग की पांच कड़वी बातें। तो दोस्तों, महाभारत तो आप सभी ने देखी होगी या फिर किताबों में पढ़ी होगी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया था कि कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा और लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा। यह सब उस काल में ही बताया जा चुका था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कलयुग की पांच कड़वी बातें बताने जा रहे हैं, जो आज 100% सच हो रही हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाभारत काल में पांडवों के मन में कलयुग के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। पांडवों ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। पांडवों की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वहां देखो वह सब विस्तार से मुझे बताना। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर पांचों भाई वन में गए और वन से लौटने के पश्चात वो श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, आइए जानते हैं। युधिष्ठिर ने वन में दो सूंड वाले हाथी को देखा, जिसे देखकर वे चकित रह गए। जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को इसके बारे में बताया तो उन्होंने उत्तर दिया कि कलयुग में ऐसे ही लोग राज करेंगे, जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। कलयुग में लोग दोनों ओर से शोषण करेंगे। भीम ने एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि बच्चे का रक्त निकल आया। भीम इसे देखकर दंग रह गया और भगवान श्री कृष्ण से इसका अर्थ पूछा तो उन्होंने बताया कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों से इतना लगाव करेगा कि ऐसी ममता के कारण बच्चों का विकास ही रुक जाएगा। यदि किसी का पुत्र साधु बना तो सब उसके दर्शन करेंगे, लेकिन अगर खुद का पुत्र साधु बना तो सब दुखी हो जाएंगे और सोचेंगे कि मेरा पुत्र किस राह पे जा रहा है। कलयुग में लोग बच्चों को मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही नष्ट हो जाएगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविकता बताते हुए कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां उनके पतियों की अमानत है और हमारा शरीर मृत्यु की अमानत है, आत्मा परमात्मा की अमानत है। अर्जुन ने वन में एक पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेद की रचाई लिखी हुई थी, परंतु वो एक मनुष्य का मांस खा रहा था, जिसे देखकर अर्जुन हैरान हो गए। अर्जुन की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जिन्हें विद्वान कहा जाएगा, किंतु उनकी मंशा यही होगी कि किसकी जल्दी मृत्यु हो और तुरंत उसकी संपत्ति को अपना बना लिया जाए। व्यक्ति का औधा चाहे कितना भी बड़ा हो परंतु उसकी दृष्टि दूसरों की संपत्ति पर ही रहेगी। कलयुग में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो दूसरों के धन को छीनने में आतुर होंगे। वास्तविक संत तो बहुत ही कम लोग होंगे। फिर नकुल ने देखा कि एक भारी सी चट्टान पर्वत से गिरी, जिसमें कि बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोक नहीं पाए, परंतु एक छोटे से पौधे से टकरा कर वह चट्टान वहीं पर रुक गई। इस प्रश्न का उत्तर बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि स्थिर होगी, उसका जीवन पतन होगा और इस पतन को धन और सत्ता के वृक्ष रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम रूपी एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन पतित होने से रुक जाएगा। हरि कीर्तन से मनुष्य की बुद्धि प्रबल होगी। उसके बाद सहदेव ने वन में अनेकों कुएं देखे, जिनमें से केवल बीच का कुआं खाली था, जो कि सबसे गहरा था। भगवान श्री कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने शोक पूर्ति के लिए धन खर्च करेंगे, परंतु यदि किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी को कोई भी रुचि नहीं होगी। आयाशी, शराब, मांस, बीड़ी सिगरेट इत्यादि में धन खर्च किया जाएगा। जो लोग ऐसी आदतों से दूर होंगे
उन पर कलयुग का नहीं बल्कि परमात्मा का प्रभाव होगा। इसीलिए अच्छे कर्म करो और कलयुग के प्रभाव से बचो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।